खिला दो यार, निशा दीदी ने बनाई है ना, टेस्ट करनी है। ये पिंक वाली भी चाहिए, मेरी फेवरेट है, ये वाली ले लो। अरे हाय, अगर आप लोगों को भी ऐसी मजेदार आइसक्रीम खानी है, बाय द वे वाली मेरी फेवरेट है, तो आप आगे वीडियो देखते रहो मम्मी का। मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी कुकिंग की है और इजी में आई थिंक आइसक्रीम बनवा लिया, और मैं मम्मा से थोड़ी गुस्सा थी और मेरा मूड भी सही हो गया उनके साथ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से मम्मा की वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब गर्मियों में बार बार बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं, तो बेटर है कि आप इस तरीके के पॉप्सिकल्स वाले मोल्ड घर पे ही ले लें। मार्केट या ऑनलाइन बड़ी आसानी से ये मिल जाते हैं। ये मैंने अमेजोन से लगभग 200 रुपये का ख़रीदा है, तो बस ये आ गया घर पे। तो अब पॉप्सिकल बनाना तो बिल्कुल मिनटों का काम है। मेरी बेटी तो जब से ये आया है खुद बना के पॉप्सिकल्स या आइसक्रीम खा भी लेती है। और अगर आपके पास पॉप्सिकल्स नहीं है तो मैं और एक देसी तरीका या जुगाड़ बताऊँगी। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं कि कैसे हम ये पॉप्सिकल्स बना रहे हैं। अब ये मेलोडी पॉप्सिकल जो कि नई इन्वेंशन है इस बारी मेरे द्वारा, अगर आपने कहीं और खाई हो तो मैं बोल नहीं सकती हूँ। इसके लिए हमें करनी है मेल्ट मेलोडी चॉकलेट और इसमें डाल देना है दूध। जब ये अच्छे से मिल जाए, यानी मेलोडी का फ्लेवर दूध में आ जाए, तो इसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर भी डाल दिया कलर आने के लिए और थोड़ा सा फ्लेवर टेस्ट आने के लिए। तो बस इसे आपस में मिला लेंगे और ठंडा होने के बाद इसे मोल्ड्स में जमाने रख देंगे। ये वाली पॉप्सिकल भी बच्चों को बहुत पसंद आती है, अनंतिया को ये बहुत अच्छी लगी। थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर होता है और मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है वाला ही फ्लेवर आता है। अब गर्मियों में अक्सर आप शिकंजी तो पीते ही होंगे, बट इसी शिकंजी की अब हम बनाएंगे पॉप्सिकल। तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है नींबू का रस, यहाँ पे 1 से 1.5 नींबू का रस ले लें, जितना आपको खट्टा चाहिए तो ज़्यादा ले लें। इसके बाद मिठास के लिए हम डालेंगे चीनी, आप पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं। इसके बाद काला नमक डालेंगे, आप चाहे तो इसमें भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिए मिंट के पत्ते, जिसे मैंने क्रश कर लिया है, क्योंकि शिकंजी में मिंट का फ्लेवर बड़ा ही अच्छा आता है और ठंडक भी देता है ये गर्मियों में हमें, तो यहाँ पे मैंने मिंट भी डाल दिया है। अब इसमें चाहे तो आप पानी डाल सकते हैं या सोडा भी डाल सकते हैं, तो यहाँ मैं सोडा से बना रही हूँ, बट हम दोनों ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी ताकि मेरी चीनी नमक सारे फ्लेवर आपस में अच्छे से ब्लेंड हो जाए, जिसे कहते हैं। और इसके बाद अब इसे छान लेंगे, और छानने के बाद अब इन्हें भी मैं मोल्ड्स में डालकर 5 से 6 घंटे के लिए जमा लूँगी। ये वाली पॉप्सिकल इस बार ही मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई की थी और इसका फ्लेवर तो बहुत ही अच्छा आया है। तो रिक्रिएट कर रही हूँ मैं ये यमी कोला जो मैंने अपने शॉर्ट्स में भी दिखाई थी, और इसको बनाना बहुत ही आसान है, करना कुछ नहीं है। आपको कोका कोला लेनी है, आप चाहे तो थम्सअप या पेप्सी भी ले सकते हैं, जो कभी कभी गैस ख़त्म हो जाती है ना कोल्ड ड्रिंक की, उनको तो आप बिल्कुल पॉप्सिकल बना के या आइसक्रीम बना के जमा दें तो बहुत टेस्टी होती है। तो कुछ नहीं करना है, मोल्ड में आपको ये डाल देना है और इसके बाद इसको कवर लगा देना है, और कवर लगाने के बाद इसे कम से कम 5 से 6 घंटे जमने रख दें, जल्दीबाजी ना करें। और जो मैंने आपको जुगाड़ वाला तरीका बताया था, उसके लिए डिस्पोजेबल कप में आप इसे डाल दीजिए, इसके बाद सिल्वर फॉइल से कवर करके कोई भी स्टिक लगा दीजिए और इसे भी जमने रख दीजिए। 5 से 6 घंटे बाद आप देख सकते हैं कि हमारी कोला वाली पॉप्सिकल बन के तैयार है। इतना आसानी था इसे बनाना। अब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली बनाने के लिए जब मैं स्ट्रॉबेरी लेने गई तो उसने कहा जाता हुआ सीजन है तो अच्छी स्ट्रॉबेरी मिल नहीं रही हैं। फिर मेरे घर में पड़ी हुई थी ये एल्पेनलीबे जस्ट जेली, तो मैंने कहा मेलोडी की तरह क्यों ना मैं भी इसको मेल्ट करके देखूं। फिर मैंने गैस में इसे दूध के साथ मेल्ट कर दी तो एक अच्छा सा फ्लेवर आ गया था, और देखते देखते कलर स्ट्रॉबेरी वाला तो आ ही गया। और यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी सी जेलीज को काट के अंदर डाला ताकि मुझे लगा एक हल्का सा क्रंचीनेस सी आ जाएगी आइसक्रीम में, बट मेरी स्ट्रॉबेरीज क्या थी, सारी की सारी नीचे बैठ गई थी जमने के बाद। और अब मैंने इसे भी 5 से 6 घंटे जमने रख दिया।
इसके बाद बनाते हैं ये नेक्स्ट ऑरेंज जूस वाली, जो कि बहुत ही यम्मी होती है, और ऑरेंज वाली तो बहुत बच्चे अक्सर मांगते ही हैं। तो आप इसे फ्रेश ऑरेंज से भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं टैंग से बनाऊंगी, या आप रियल ऑरेंज जूस भी यूज़ कर सकते हैं, मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ। बट यहाँ पे मैंने सूखा टैंग का पाउडर डाला है ऑरेंज फ्लेवर वाला, और अब इसमें मैंने पानी डालकर इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसको भी हम मोल्ड में डाल देंगे। तो यहाँ पे मोल्ड में डालने के बाद मैं इसे 5 से 6 घंटे फ्रीज करूँगी, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये यम्मी ऑरेंज फ्लेवर वाली पॉप्सिकल भी बनके तैयार है। गर्मियों में आता है आम, और आम फलों का राजा भी है, तो हम बनाते हैं मैंगो पॉप्सिकल। अब इसे हम फ्रेश मैंगो से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैंगो अच्छा आ नहीं रहा है, तो उसका हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन तब तक हम कोई भी माजा या फ्रूटी लेके ये मैंगो पॉप्सिकल बना सकते हैं। और वैसे पॉप्सिकल लेने जाओ तो हमें मार्केट में ये 10 रुपये की मिलती है, बट इस 10 रुपये वाले माजा से मैंने 2 पॉप्सिकल जमा ली है, यानी 5 रुपये की एक पड़ी। तो यहाँ पे मैंने 6 वैरायटी ऑफ पॉप्सिकल्स ट्राई की हैं। अगर आपके पास भी कोई और ऑप्शन है या आप कोई बना सकते हैं, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड वैरायटी ऑफ पॉप्सिकल्स हम बना सकते हैं, जो मन में आया वो उससे। और ऐसी कई और पॉप्सिकल्स भी मैंने ट्राई की हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। बाकी अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।